गुड इवनिंग एवरीवन। अपने कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, वो ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि आज अगर हमारा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन लेने खत्म हो जा रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग हमारा क्या रहता है, यानी कि अपने पास वैसे तो टाइम है अगले टेस्ट तक, मतलब अभी आपकी दूसरी टेस्ट है, हमारे पास टाइम है, तब तक हमारा प्लांट ब्रीडिंग पर भी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इसके अंदर से हमने कितने क्वेश्चन लिए थे, 100 किए थे ना, ये 25 और 100, 125 क्वेश्चन हमने खत्म किए थे इसके अंदर से। याद है सबको कि नहीं याद है? आवाज आ रहा है सबको क्लियर? 100 and 101 आवाज आ रहा है? हाँ, लेक्चर इज स्टार्टेड। आवाज आ रहा है सभी को? कैमरा ऑफ कर दूं क्या? मेरा क्वेश्चन दिखने चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि कैमरा बीच में आता है, आपको साइड में क्वेश्चन नहीं दिखाई देते। अरे प्रोफेसर, हाँ ये बात आपने अच्छी की, सॉरी सर, यस्टरडे आई सेड वन आवर वेस्ट। हाँ वो मुझे बुरा लगा, वैसा नहीं बोलना चाहिए। और अभी जो बोले कि भाई सॉरी बोल के, वो फिर बड़प्पन दिखाता मन का, वो अच्छी बात है देखो, क्योंकि जो भी चेंजेस करने के हमको खुद में करने के, वर्ल्ड में चेंजेस नहीं करने के, खुद में चेंजेस किए पूरे वर्ल्ड में चेंज होते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, आपका एक भी मिनट वेस्ट होता है मुझे बुरा लगता है, और आप पूरा वन आवर वेस्ट, अब उसके अंदर मैं क्या करूँ। अभी आज भी देखिए कॉलेज में, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट टीम कभी बराबर वर्क नहीं करता है, यहाँ पर मैंने सेटिंग करके रख चुका हूँ तो आवाज़ क्लियर आता है। ठीक है, अभी कैमरा भी बंद करूंगा सो दैट आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे, इसके लिए। ठीक है, तो अभी कैमरा ऑफ हो जाएगा। ओके गुड, ठीक। तो स्टार्ट करूं क्या? ये व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते, क्वेश्चन लेते जाएंगे आप, पर साथ में आप पढ़ाई करते जाओ, बोला पढ़ाई करना आपको जरूरी है, एवरीडे करते रहने का, नहीं तो एक बार लिंक टूट गई, पढ़ाई कम हुई, एक बार पीछे चले गए, वापस रिपीट उसी ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल जाता है ना, इसलिए। आपने प्रोफेसर नाम लिखा, उसकी वैल्यू है। एक बार देख लेता हूँ, कैमरा चालू हुआ बंद है, क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको क्लियर? हाँ करेक्ट दिखाई देंगे। अब देखिए स्टार्ट करता, अभी आ गए 25 स्टूडेंट आ गए, आवाज क्लियर आ रहा है ना आपको? हाँ, ये रहे आपके क्वेश्चन, बोलो। अब 100 हो गया था क्वेश्चन नंबर, अब 101 से आंसर बोलते जाने के, 101 यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखो, और थोड़ा फास्ट भी करेंगे क्योंकि फास्ट ही करने की आदत है स्लो में। फैन बंद कर देता हूँ, आवाज आपको क्लियर आए इसलिए। हाइब्रिडोमा इस बायोटेक्निक विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ, इसके अंदर किसका फ्यूजन होता है, पढ़े हो? मेलोमा सेल विथ बी सेल, इससे हम क्या तैयार करते हैं, इससे तैयार करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करता है इस टेक्निक की हेल्प से, हाइब्रिडोमा टेक्निक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट इन द सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कट द फॉरेन डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट एंड डिस्ट्रॉय देम, कौन सा एंजाइम रहेगा? ये एक वर्ड बोलते ही समझ में आ जाता है, कट बोला कि समझ में आ जाना कौन रहता है, ये रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्लियर? दिखाई दे रहा सबको क्लियर? हाँ करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, ठीक है, मैं स्विच करके कमेंट देखते रहता हूँ आपका। करेक्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट इज वन, ट्रांसजेनिक जिसके अंदर जीन्स मॉडिफाई किया, दोनों भी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। अरे सानिका यादव ये सब आ गए क्या, क्योंकि की बोल रहे थे, हमारे क्वेश्चन आपको भेजती थे तो की बोल रहे थे आप, की इसी में दे रहा हूं मैं टिक करके। क्वेश्चन नंबर 104, आर डी एन ए, यानी कि फिर उसके मैं
यानी कि इसकी की भी आपको फोटो निकाल के बाद में वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। 104 विच आर द एंसर मेक्स यूज इन आरडीएन टेक्नोलॉजी, किसका यूज कर रहा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो होकर आपको याद हो जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय, क्या करें हम इसके अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू के अंदर, एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ एंडोजेनस जीन नहीं आता, बी आएगा इसका। प्लांट सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटोप्लास्ट बाय ट्रीटिंग विद, दो एंजाइम लेते हैं हम, सेलेस और पेक्टिनेस, इन दोनों का नाम बोला था मैं। लाइपेज नहीं लगेगा, ये लिपिड के लिए लगता है, प्लांट सेल के लिए नहीं लगेगा, प्रोटीज प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका बी। पीसीआर गिवन बाय किरिमिलिस, क्विक सॉल्व करना, एक घंटे में तुम्हारे तो मैक्सिमम एक बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 108, वेक्टर क्लोनिंग जीन प्रेजेंट इन द प्लांट एग्रोबैक्टियम टूमिफेसियम इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रेफर्स टू, वेक्टर को नहीं पता आपको, आइसोलेशन ऑफ बीटी जीन फ्रॉम बैचेस फर्स्ट टेकन प्लेस इन, कौन सा ईयर था ये, अराउंड 1980 का ईयर था वो, बराबर। साइक्लोस्पोरिन ई, ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गन हमारे अंदर बिठा रहे तो हमारी इम्यूनिटी की जो इम्यून सेल्स है वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो टेम्परली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना पड़ता है, तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग यूज करता है। और ये ड्रग किससे बने वाली थी, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम, इससे। क्वेश्चन नंबर 112, द टेक्निक विच इन्वॉल्व द एडिशन और डिविशन ऑफ जीन, इसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। एस्परजिलस नागर क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, पर साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोनिक एसिड, दोनों प्रोड्यूस करता है। आंसर दे रहे हैं सभी, देख रहा हूँ, चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, एस्परजिलस नाइकस हो गया, 14 मेनली हर बार बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होगा, एक फास्ट क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 150, आपकी रीडिंग भी एकदम फास्ट बढ़नी चाहिए, एक नजर में आपने जो पढ़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए, बोल क्या रहा। बायो वेपन किसको यूज करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस को, एंथ्रेक्स बायो वेपन में यूज करता है, नाम याद रखिए इसका, बीटी, बीटी का मीनिंग क्या होता है, ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है बैसिलस थुरिंजियोसिस से, उसका नाम है बीटी, बैसिलस थुरिंजियोसिस। वैसे बायोटेक को भी बीटी बोलता है, पर वैसे याद मत रखें, यहाँ पर सिर्फ इसके इस बैक्टीरिया के नाम से याद रखें। 117, इथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन कमर्शियली ऑन लार्ज स्केल बाय, लार्ज स्केल पर किससे प्रोड्यूस करता है, शुगर केन लगता है। 118 बोलो, करेक्ट आंसर आएगा बी इसका। 119, द एंजाइम कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको थोड़ा बड़ा कर लो क्या, और देखो, पर इसको मेरे को बार बार घुमाना पड़ेगा। 119, द एंजाइम कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन रहेगा, दोनों को। 120, डीएनए फिंगर, एलेक जैफरी विल्सन थी, ये तीनों का नाम आता, बट एक्चुअल में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का रूट इंडिया में जाता है, दो साइंटिस्ट थे लालजी कश्यप और शाह, क्या नाम था उनका, सिंह एंड कश्यप, कश्यप दो थे, एक लालजी सिंह, लालजी सिंह एंड कश्यप,
ये तो साइंटिस्ट है एक्चुअल में, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके अंदर इन दोनों साइंटिस्ट का मेन रोल था, पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जो प्रोवाइड करते बाहर के ब्रिटिश जो लोग हैं उनको, तो इसलिए नाम लास्ट में हो गया एलेक्स जेफरी का 121। वी एन टी आर लॉन्ग फॉर्म बोला था ना आपको, ये इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं वी एन टी आर को। 122 मोस्ट वाइडली यूज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ऑप्टेंट फॉर्म, कहाँ से मिलेंगे? बैक्टीरियल सेल्स। कम टाइम में मैक्सिमम वर्क कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट वर्क करना सीखिए, एक ही क्वेश्चन को 10 घंटे नहीं लगाने का, हमको स्मार्ट वर्क करने का, कम टाइम में मैक्सिमम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसा कर सकते हैं वो देखना। बीटी का मीनिंग बेस्टेस्ट टू जेनेसिस, यह पढ़ने आएगा पैलेटोलॉजिस्ट। अनअर्थन अ ह्यूमन स्कल ड्यूरिंग एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन मतलब खुदाई खोदना। अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ स्कल्प टिश्यू वॉज स्टिल अटैच टू इट, ओनली अ लिटिल बिट डीएनए कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इफ द जीन्स ऑफ एंशिएंट मैन नीड टू बी एनालाइज, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट, हमको बहुत कम डीएनए मिला है, इस डीएनए की क्वांटिटी हमको बढ़ाना है, मतलब ये एम्पलीफाई करना है। तो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए क्यों, किसको यूज किया? हम मशीन को यूज किए, कौन सी मशीन? पीसीआर मशीन। तो क्या करना पड़ेगा उसको? डी आंसर आएगा, ऑप्शन इधर आया इसके और इधर, ठीक है। बोलो 125 का देखता हूँ सर, दे रहे कितने जन दे रहे? 30, यही है देखो, बाकी सब मस्त मजे करते होंगे, इनकी यही मजा, इनको लास्ट को मुश्किल जाएगा, अभी कुछ नहीं लगता, बाद में आगे समझ में आता है, ये जो अब्सेंट है उनको बोल रहा हूँ, मस्त सोते रहता अपना, टाइम पास करते होगे टीवी देख के कुछ करके। 125 इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस डीएनए विद पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। 126 बी, 127 डी, 128 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए एट, कहां पर कट करेगा? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट, रिकॉग्निशन सीक्वेंसिंग ई को रहा है, कौन सा ई? एंड और एक थर्ड एंड पे फिफ्थ एंड पे आता है, थर्ड एंड पे आता है, तो मतलब रिकॉग्निशन साइट कौन सी होगी इसकी? ये क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कितना लगता है? -176। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय लिगेस, डायरेक्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक है जैसा ही समझना इसको, इमीडिएट आंसर फास्ट। विच इज यूज इन द मॉलिकुलर जेनेटिक, मॉलिकुलर जेनेटिक में हम किसको यूज करें? एरबियोसिस, इसको यूज करता हूँ, इसका जीन सीक्वेंसिंग किया गया कंप्लीट राइस के लिए। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, बहुत बार हुआ ये क्वेश्चन और मैंने बोला भी है इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन लिए ना आप, इसके अंदर से 90% से ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। हमने जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस लिया ना, वो थोड़ा माइंड में आप 100% फिट करने को देखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक पे हमने क्वेश्चन लिए वाले, देखो बायोटेक्नोलॉजी पे आपने इतने क्वेश्चन लिए, 250, 300, 400, फिर 3-4 बार रिवीजन लिए। अब उसके बाद देखो कि जब ये एग्जाम होगी, अब जो 12 सितंबर को एग्जाम है, उस दिन जब बायोटेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आएगी तो उसको देखो, उस दिन मैं बोलूंगा देखो कितना आपने प्रैक्टिस लिया और कहां से आया।
बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए अपॉन द एंट्री ऑफ, किसकी एंट्री से? एंडोन्यूक्लियस. कि द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वॉज डेवलप्ड बाय, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते फॉर पर्टिकुलर एंटीजन, जो आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर एंटीजन को और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार किए थे, 1984 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो बीटा सेल है उसको फ्यूज करते हैं कैंसर सेल के साथ, मतलब मिलोमा सेल के साथ, और उससे हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस करते हैं. ये आप याद रखें, थोड़ा सा बोल लेता हूँ, ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोड्यूस करें हम इसे, शॉर्ट में बोल देता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन दो तीन बार आए इसके. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करता है, एंटीबॉडीज इससे तैयार करता है, हाँ बॉडीज, ठीक है. और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन, इसका बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लेना जो बोल रहा हूँ, फॉर पर्टिकुलर एंटीजन इसके लिए, और ये आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर एंटीजन को, इसको ये जो पर्टिकुलर एंटीजन है इनको ये आइडेंटिफाई भी करता है और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय भी करता है, डिस्ट्रॉयड. स्पेलिंग क्यों ऐसा हो रहा है, एंड डिस्ट्रॉयड, तो मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एक तो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए और वो उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय भी करता है. तो इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स इनको क्या करें, हम फ्यूज करते हैं किसके साथ, मिलोमा सेल मतलब कैंसर सेल, फ्यूज बीटा सेल फ्यूज विद किसके साथ, मिलोमा सेल, मिलोमा सेल्स, या इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर सेल, कैंसर सेल, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, जिससे प्रोड्यूस होगा हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा. और ये याद रखिए, जहाँ पे भी वर्ड ओमा आता है, ओमा का मतलब ही होता है ट्यूमर, मतलब ही कैंसर, हाइब्रिडोमा. और यहाँ पर फ्यूजिंग करने के लिए अपने को देखो, ये जो बीटा सेल्स है ये मिलोमा सेल के साथ फ्यूज करने के लिए हमको क्या लग रहा है, पीईजी, पीजी फ्यूजोजेनिक का काम करता है. पीजी का लॉन्ग फॉर्म मैंने बोला है, कमेंट में बोलो किसको याद है, पीईजी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर मैंने पीईजी का नाम बोला है. ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना, निकालो. देखो उसके बाद नेक्स्ट दे रहे सब जन आंसर, कितने जन, 27 स्टूडेंट, बाकी के सो गए लगता भी. अरे नॉक्चुरनल एनिमल है तुम, कैसे सो गए, सोना नहीं है जागना है. 137 पढ़ाई के लिए जागना है, सिर्फ जागना, बोले जाग के कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो. हाँ, अनर्विक कंडीशन. 138 इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड इन द प्लांट, कौन करेगा ये, बराबर रूट, रूट बोला ना प्लांट, रूट ट्यूमर्स, रूट के लिए क्या लगेगा, राइजोजन. क्वेश्चन नंबर 139. क्या आएगा आंसर इसका, डी. 140 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल, अभी बोल चुका मैं हाइब्रिडोमा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे. 141 द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, टू कट स्पेसिफिक डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल जंपिंग जीन, ये कौन है, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड की स्तुति गान है.
143 प्लास्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग 144 वन ऑफ द की फैक्टर विच मेकिंग द प्लास्मिड अ वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ऐसा कौन सा फैक्टर है प्लाज्मिड में फॉरेन जीन को कैरी करने की कैपेसिटी है इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका सी जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स क्या होता है जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाला जाएगा और न्यू जीन जो है उसको ऐड किया जाएगा उसके बाद 146 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेन इसको 147 द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कट करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 148 रिसेंट टेक्निक सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट साउथर्न ब्लॉटिंग ये याद रखिए डीएनए के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग इधर बोल लेता हूँ बोर्ड पे ये याद रखो रे इसको मिटा रहा हूँ मैं जो डीएनए होता है उसके लिए रहेगा साउथर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए क्या रहता है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग आर है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग ठीक है और जो प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है एच आई वी वायरस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये पक्का याद रखो लिख के दिया मैंने आपको और एक बार बोलता हूँ डीएनए के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए नॉर्थर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग कैसा याद रखोगे देखो ये आरएनए के लिए अंदर पहला वर्ड क्या है आर उसके बाद क्या है एन एन से नॉर्थर्न ब्लॉटिंग तो वो याद हो गया तो आपको फिर समझ में आएगा डीएनए के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग है और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न मतलब एक याद हो गया तो आपको सभी याद हो जाएंगे इन रिसेंट टेक्निकल सेपरेशन फॉर डीएनए अरे अभी तो बोला हम डीएनए के लिए क्या रहेगा साउथर्न ब्लॉटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोस विच हैव ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या रहेगा करेक्ट फॉरेन डीएनए इन इट्स ऑल सेल विच आर द फॉलोइंग यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग 20 बार पूछा लगता है क्वेश्चन ये 151 इनको इनका फेवरेट आंसर है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे क्लीविंग मतलब कट करने वाला कौन रहेगा एंडोन्यूक्लियस पीसीआर इज रिलेटेड विथ ऑल ऑफ द अबव 153 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इंप्रूविंग द जीनोटाइप ये किसके अंदर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हाइब्रिडोमा एज अ रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग विद मिलोमा और कैंसर सेल क्वेश्चन नंबर 155 विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड फ्लेवर ऑफ योगर्ट कौन देगा ये लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस थोड़ा इसकी प्रिंट खराब दिख रही मुझे एक दो क्वेश्चन के 156 है ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन छोटा 156 देखिए फर्स्ट रिटर्न टू बी प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग अ वाइल्ड बैक्टीरियम पहला एंटीबायोटिक कौन सा तैयार किया गया था बोलो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो तैयार किया गया था
वो था एंटी स्कर्वी विटामिन, मतलब ये विटामिन सी, गैलिक एसिड, गैलिक एसिड कौन सा रहता है, गैलिक एसिड सुना इसके बारे में, लास्ट क्वेश्चन है ये, गैलिक एसिड ये जो है ये 3-4-5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जो कि कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड होता है जो प्रोड्यूस होगा बाय एस्परजिलस निगर, और किस में मिलता है ये, लीव्स ओक बार्क मेनी अदर प्लांट में और फ्री स्टेट में मिलता है, इससे टैनिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं, इंक बनाने में, डाई स्टफ, केमिकल, फूड, लाइट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये किससे तैयार होगा, एस्परजिलस निगर से, निग्रम मतलब ब्लैक, ठीक है, कितने जनों आंसर दे रहे थे, 57 क्वेश्चन हुए, देखो लू क्वेश्चन आगे की कैसा करूं बोलो, 157 हो गया अपने, ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा स्लो लू ना, हाँ स्पीड मैंने बढ़ाई थी, अभी अभी कमेंट देखा मैंने, कमेंट नहीं देखी थी प्रोफेसर प्रोफेसर साहब मैंने कमेंट नहीं देखी, अभी देखिए अभी स्लो लेता हूँ, अपने इस पीडीएफ में से 157 हो गए, मतलब टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ओके वो दूसरा ओपन करता हूँ, रुको किधर गया, ये दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, एक मिनट ये फाइल ओपन होने को, इसमें से एक थोड़ा 40-50 क्वेश्चन ले लेंगे, मतलब एक 10-15 मिनट ले लेंगे तो खत्म हो जाता है जल्दी, आप बोले तो लेता हूँ, या तो ग्रुप में भेज सकता हूँ, आप जैसा बोले वैसा करता हूँ, बोलो कमेंट में, वेट करता हूँ, आप बोले तो क्वेश्चन लेता हूँ, नहीं तो आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, की भेज दूंगा, फिर हो जाता वैसे तो। बोलो, या तो लेने का है इसके ऊपर से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, देखता हूँ कमेंट में क्या बोल रहे आप, मेरे को कमेंट तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर, देखा जाएगा तो 1 से लेकर 100 तक, लाइव कमेंट नहीं कर, समंदर के किनारे आबादी रहती है, क्या लिखा है क्या नहीं पता ना, अच्छा बीच में झटका आ गया ठीक, मेरे को कमेंट नहीं दिख रहा आपके कि मतलब क्या करूं आगे, क्वेश्चन लू कैसा करूं बोलो, लो बोलते हैं तो लेता हूं मैं, पहले से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन ले लेंगे अपने से, ठीक है रेडी है तो रुको बस चालू कर लेता हूं, आपके कमेंट दिखने का मेरे को टाइम लगे, इधर ही बोलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर बोलते जाओ, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, किसको बोला जाता है, पॉल बर्ग, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बीटी नंबर 2, बोलो क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्निक कैन बी इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या आएगा इसके अंदर, इन विट्रो भी आता है, सिंथेसिस ऑफ जीन भी आता है, करेक्टिंग जीन, डिफेक्टिव जीन भी आता है, ये भी आता है, तो मतलब सभी आ जाता है, करेक्ट सर 50 अभी लो, 50 ग्रुप पर भेजो, अभी 57 तो हो गया, देखो 57 क्वेश्चन लिए 157 तक, 100 से 57 तक, इसमें 30-40 लेकर बाकी का भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मिड यूज्ड टू कस्टर द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े इजी है, सानिका शिपाटे
सानी का प्रथमा है, कोमल है, सृष्टि है, उम्मी, हर्षदा, सोहम, नजिया, सौरभ, पाटिल, श्रुति, दिव्या, प्रथमा। क्या रहेगा थर्ड का? सी का आंसर बोल दिया, ऊपर ले लेता हूँ इसका। बोलो आप 4, 5, 6 का बोलो आंसर, कमेंट में देखता हूँ फिर बाद में ऊपर बोलता हूँ, क्योंकि आपको टाइम देना है इसलिए। और हो जाते हैं आराम से, 50 क्वेश्चन तक ले सकते हो। क्या रहेगा 4 का? मैं क्वेश्चन रीड किया, डिस्टर्ब होता है आपको, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बोलता हूँ। जहाँ पे डाउट रहा कमेंट आके चेक करा, मैं फोन आगे चालू रखा मैंने। मॉलिकुलर सीजर किसके लिए वर्ड यूज करें? हाँ टर्म केमिकल नाइफ, ये किसके लिए यूज करते हम? उसी के लिए। उसके बाद देखिए 7, आरडीएन टेक्नोलॉजी टर्म वेक्टर रेफर टू, ऊपर देखेंगे इसके ऑप्शन, दोनों मैच नहीं हो रहे, ए और बी, देखेंगे सी और डी में से कौन सा मैच हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे रहे, अपना टेक्स्ट बुक कवर हो जाता है, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं एक बार आपको ले लिया 100 क्वेश्चन यहाँ से इस बुक से, तो खत्म हो गया आपका, वो बुक ही खत्म हो गया, आप दूसरे बुक की तरफ जाना, तो मतलब हो जाती प्रैक्टिस। आप घर पे बैठोगे कब होगा कब, उससे अच्छा हो जाता सबका साथ में। नंबर 8, वन ऑफ द की फैक्टर विच मेक द प्लास्मिड वेक्टर इन जेनेटिक एजेंट, बोलो स्लोली स्लोली लेता थोड़ा। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9, टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर टू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं हम? डीएनए विद द पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, मतलब ये पहले का डीएनए और उसके अंदर हमने ये दिख गया दाले वाला ऐड किया वाला फॉरेन डीएनए, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। टर्म चिमेरिक, चिमेरा का मीनिंग बोला था रे मैंने आपको, क्या बोला था? चिमेरा कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, चाइना का है, जापान का है, अमेरिका का है, कहाँ का है ये वर्ड? चाइना का। चाइना में चिमेरा का मतलब होता है मिक्सिंग, अलग अलग चीजें। तो क्या रहेगा चिमेरा? मतलब जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें वेक्टर सही है पर टैग पॉलीमरेज और प्राइमर पीसीआर में लगता है, प्राइमर उधर लगता है, ये अलग लगता है, मतलब 1 और 2 ही मैच होता है। पूछा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा मैं, आंसर बोलते जाता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ो, क्योंकि मेरे बोलने से हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो आवाज़ से, तो आप भी वैसा कर सकते हो, देखिए मतलब आप आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, HIND से याद रखिए हिंदुस्तान, हिंद। आर इन ई कोलाई, आर ई मतलब जीनस, सी ओ मतलब स्पेसीज, आर मतलब स्ट्रेन। इजी है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन इजी रहता। 15,
करेक्ट 14 तक चल रहा लगता आपका। ठीक है, स्लोली स्लोली करो। ठीक है बोलो। बोलते जाओ। 16, 17, 18 मैं देखता हूँ। बोलते जाओ आंसर। क्या रहेगा आंसर? बी। सेवनटीन। सी। एटीन। बोलो। दोनों स्टेटमेंट्स सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्या रहेगा आंसर? दिस वन। क्वेश्चन नंबर 21। साथी कोणता ही वैध सी। ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू का था 4। 23 से लेकर 25। बोलो आप आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या रहेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। शायद फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा इनकरेक्ट है? बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा यहाँ पर? ब्लड एंड वो नहीं प्रोड्यूस करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बी एम एच आर? कौन करेगा ये? 26। इफ प्लाज्मिड वेक्टर इज डाइजेस्टेड विद ई कोलाई एट अ सिंगल साइट देन तो क्या होगा? टू स्टिकी एंड प्रोड्यूसर देन 27।
हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ यू डाइजेस्ट। अब देखिए ओम पटोले है क्या, ओम ओम है क्या यहाँ पर, ओम का डाउट था यहाँ पे, हाँ है ना। अब देखो ऐसा टाइप के क्वेश्चन का आपने बोला था मेरे को, तो जब भी यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल है ये डाइजेस्टेड विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग फोर रिकॉग्निशन साइट, तो अगर फोर रिकॉग्निशन साइट है तो इसके टुकड़े गिरेंगे टोटल, एक ज़्यादा गिरता है तो मतलब कितना होना चाहिए, फाइव, ये आता है इसका आंसर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन बोला था आपने, मेरे पास होगा तो वो बोलूँगा मैं आपको रिपीट। ये देखिए अब वैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया और अभी है, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन डाइजेशन ऑफ क्लोज सर्कुलर डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग सिक्स रिकॉग्निशन साइट ऑन डीएनए, सिक्स रिकॉग्निशन साइट है, तो क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं अगर कोई क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो अगर डाइजेस्ट होता होगा सिक्स रेस्ट्रिक्शन साइट से, मतलब देखो अब दिखा था मैं आपको कि समझो ये सर्कुलर डीएनए, ठीक है ये सर्कुलर डीएनए इस तरीके का, ये ऐसा रहेगा सर्कुलर डीएनए, ठीक है ये हो गया। अब इसके अंदर इसने क्या बोला कि सिक्स रिकॉग्निशन साइट है, सिक्स सपोज वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये सिक्स रिकॉग्निशन साइट है ठीक है इसके अंदर, तो ये कितने फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, अगर रिकॉग्निशन साइट सिक्स है तो ये यहाँ पर इसके क्लीव होके जो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होते हैं वो भी डीएनए के फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होते हैं सिक्स, सिक्स फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। और लीनियर डीएनए रहा, ये सर्कुलर डीएनए, अब देखो सर्कुलर डीएनए में क्या हुआ, जितने रिकॉग्निशन साइट थे उतने उसके अंदर क्या हुआ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हुए, पर अगर डीएनए लीनियर होगा, इफ डीएनए इज लीनियर, तो पहले क्वेश्चन में क्या देखे हम, क्वेश्चन नंबर 27 में, अगर डीएनए लीनियर है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसके फोर रिकॉग्निशन साइट है, अगर इसके अंदर फोर रिकॉग्निशन साइट है तो फ्रैगमेंट कितने प्रोड्यूस हुए थे, फाइव, कितना फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हुए थे, मतलब यहां पर एक फ्रैगमेंट ज्यादा हो रहा है किधर लीनियर में, और ये जो सर्कुलर होता है यहां पर इक्वली गिरेंगे, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 29, इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, अब देखो दिखेगा, क्वेश्चन दिखने के लिए मैंने जूम किया, उसके बाद वापस 143 पर जाऊंगा, क्या रहेगा आंसर 29 का, देखो ये आएगा आंसर इसका, ठीक है 143 30 नंबर देखिए, इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्लास्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, किससे क्लीवेज होगा इसका, मैंने बोला था देखो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम फॉरेन डीएनए कट करके लाए उसी से हमको क्या करना पड़ता है, वेक्टर को कट करना पड़ता है, तो सेम एंजाइम दैट क्लीव द डोनर डीएनए, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31, क्या करें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि टेक्निक सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट थ्रू द through which the force of agar HL are under the influence of electric field, ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्या आएगा 32 का, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, पहला स्टेटमेंट तो नहीं दिख रहा सही, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे ऊपर, थोड़े क्वेश्चन लेके स्टॉप करूंगा, 50 लूंगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं,
अगर आप बोले तो, नहीं तो जल्दी भी स्टॉप कर सकता हूँ आपके ऊपर, पर करना चाहिए 50 तक तो कर लो, मतलब 107 क्वेश्चन हो जाता। वैसे 43 तक के तो अपने 100 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन 43 तक, अभी 33 चालू ना, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 का बोलो आंसर। Having become expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel of colic, where you would find a smallest segment of DNA. तो वो क्या इंडिकेट करेगा? हमको पता है DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो मूव होता है टूवर्ड पॉजिटिव एनोड, और जितना स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा उतना जल्दी मूव होगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा मैच होगा यहाँ पर? ई, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन द फास्टेस्ट इज द मूवमेंट एज वेल, तो ये होगा 34। देखो 34 क्या हुआ? क्यों बजा, क्यों बजा था दरवाजा? 43 क्वेश्चन तक लेंगे, ठीक है, मतलब 100 हो जाते तो स्टॉप करेंगे। 34 का क्या रहेगा? सी, स्टेनिंग विथ इथिलीन ब्रोमाइड, तो ये पता हमको। 35 स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट, कौन कौन सही जवाब दे रहा है देखता हूँ। 36, 37 दोनों क्वेश्चन दिखते, देखो तब तक आंसर दो। कोमल, उम्मी, अनिकेत, सृष्टि, हर्षदा, निकिता, सोहम, श्रद्धा, प्रथमा, अनिकेत, कोमल, सौरव, ओम, सोहम, कोमल, ये तो कॉमन नेम है, देखिए जो हमेशा रहता, कितना भी कुछ हो हमेशा लास्ट तक रहता, तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ। डीएनए लीकेज लगेगा, इनकरेक्टली जो पेयर हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए लीकेज नहीं लगता है। मेनी पीसेस ऑफ टारगेट डीएनए, तो आप किसको एज अ वेक्टर चूज करोगे, किसको चूज करेंगे हम? सी, हुज ओरिजिन सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर। उसके बाद देखिए 38 Which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ढूंढो। नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर क्या आएगा? दिस वन, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, अच्छे से बोला प्रथमान। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली नॉट प्रीफर्ड फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर, क्या आएगा आंसर? मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स। Read the following statement. Select the correct one. Suyash, Vijaya, Vaishnavi,
ओम निकिता सौरव। क्या रहे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर? अरे रुक रही, ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे थर्ड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर? ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये वेक्टर कैसे हो सकता है? यस एल वन। फोर्टी टू, मैच द फॉलोइंग। ये वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, वेक्टर देखा था हमने। लास्ट क्वेश्चन आर ओ पी, बोलो 43 का। क्या रहेगा आंसर इसका करेक्ट? प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। तो अपने 100 क्वेश्चन हो गए देखिए कंप्लीट। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम आगे लेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ये ठीक है? ये देखिए ग्रुप में अभी भेज देता हूँ मैं आपको पीडीएफ, बाद में भूल जाता मैं तो इसलिए अभी के अभी पीडीएफ भेज देता हूँ आपका। कौन सा था पीडीएफ देखना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे? जय हिंद, जय हिंद प्रोफेसर। मेरा आता एडमिशन क्या से आए तो एडमिशन ले लो ना, किस में 11th में कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। मैंने पीडीएफ आपको देखो ग्रुप में भेज दिया है, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो की मैं कल भेज दूंगा आपको, ठीक है? अलग से, ओके बाय एवरीवन। तो की मैं आपको भेज दूंगा, देखो।
अब बाकी इसमें भी जाएगा, देखो अभी 2 और 3 में भी भेज देता हूँ, ग्रुप 2 और 3 देखो दिखता होगा यहाँ पर, ये देखो आ गया ऑटोमेटिकली, हाँ चला गया। तो आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिल गया। अरे कल के लिए वो स्ट्रैटेजीज करके रखिए, कल कल उसके क्वेश्चन या रिवीजन लेंगे हम, स्ट्रैटेजी प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रहेगा अनिकेत। कल देखेंगे, कल इसके प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन लेंगे या तो देखेंगे आगे क्या करना। हाँ हाँ सोम, हाँ उसका पीडीएफ भेजा ना मैं, दोनों भेजा ग्रुप में, देखो भेजा मैंने। हाँ यानी कि मैंने क्या क्या भेजा मैं बोलता हूँ आपको, वो जो मैं एक ये ले रहा था देखो रिवीजन, एक पीडीएफ में से, और उसके बाद दो दो क्लासेस थे ना कल, मतलब दो क्लासेस थे देखो, तो एक बार रिवीजन ले रहा था, एक बार क्वेश्चन ले रहा था, तो फिर दोनों में साथ में भेज दिया देखो ग्रुप में, चेक करो आप मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिला तो फिर और वापस मेरे को फोन कर लेना, मैं भेज दूंगा। ओके ठीक, ओके हाँ।
जीने तो मेरे दिन में सर झुका।